ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, लोग गया श्राद्ध करने जाते हैं। बहुत से भक्तों ने ईमेल आईडी पर, व्हाट्सएप पर और कॉलिंग करके भी ये इच्छा जाहिर की है कि महाराज जी पितृ पक्ष और गया पर कुछ बताया जाए। तो आज के सत्संग में हम सब लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो हमारे पूर्वज हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहीं दूसरे लोक में भटकते रहते हैं, और उनको आत्मा की शांति के लिए उनके जो वंशज हैं उन्हें उठा के गया ला के बिठा देते हैं और फिर वो शांत हो जाते हैं, या पितृ पक्ष जब आता है तो क्या पूर्वज कौवा चिरई ये सब बन करके आपके छत पर आकर के बैठते हैं और आप उनको पूरी देते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्या रहस्य है, और हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या गया के किनारे जो फाल्गु नदी है वहां पर भगवान राम और सीता जी ने दशरथ का पिंड दान किया था। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि गया में भगवान बुद्ध कितने ईसा पूर्व गए थे और गया भगवान बुद्ध के बाद प्रकाश में आई या गया का पहले अस्तित्व था, और यह भी हम चर्चा करेंगे कि क्या गया में भगवान बुद्ध कितने दिन तक रहे और कहां से गए थे, फिर गया के बाद भगवान बुद्ध कहां गए, इस पर भी चर्चा सत्संग में करेंगे। और हम सब लोग ये भी चर्चा करेंगे कि तीर्थ में जाना चाहिए कि नहीं, या अपने पूर्वजों का पितृ पक्ष पुण्य तिथि मनाना चाहिए कि नहीं, या और मनाने के पीछे इसका वैज्ञानिकल या सनातन धर्म से क्या संबंध है। और लास्ट में हम इसका भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में इन सब पितृ पक्ष में जो रूढ़ी है, जो दोष है, ये कौन सा है, क्योंकि कुछ दोष भी इसमें आ गए हैं, कुछ ठगने की परंपरा भी बुद्धिजीवियों ने चालू कर दिया। ये सनातन धर्म में पूर्वजों ने क्यों बनाया था इसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि वास्तव में जो ये पितृ पक्ष मनाया जाता है, ये आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देता है। सबसे पहला रीजन, ये पितृ पक्ष का जो होता है ये बहुत बढ़िया है, इसमें केवल रूढ़ियां जो हैं यही इसमें थोड़ी गंदगी पैदा करती हैं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो इसका उद्देश्य जो सनातन धर्म में है ये बहुत बढ़िया है। तो पितृ पक्ष जो मनाया जाता है वो युवा पीढ़ी को यह संदेश देता है कि युवाओं को ये जानने का मौका मिलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हमारे पूर्वज कौन थे। तो वर्ष में एक बार ये पितृ पक्ष आता है और इसमें लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। युवा को माता पिता बताते हैं, तुम्हारे दादा थे, परदादा थे, ये नाना थे, ये नानी थे, और उनके नाम पर घर में पूजा पाठ होता है और उसके बाद पूरी पकवान बनता है, फिर ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराया जाता है, फिर उसके बाद अपना लोग भोजन करते हैं।
भोजन करने के पहले कौवा वगैरह चिड़ई वगैरह जो भी वहां आ जाते हैं उनको देते हैं, लोगों कहते हैं देखो दादाजी बन के आ गए। अब यही रूढ़ी है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, जब खाना खाने बैठते हैं तो हमेशा कौवा चिड़ई को तोड़ तोड़ के देते हैं, तो जब भी बैठेंगे तब 10-20 कौवा 10-20 चिड़ई आ जाते हैं। एक नया बाबा भी थे, वो भी जब बाहर निकलते थे तो एक दो मुट्ठी चावल छीट देते थे। या हमारे आश्रम में एक मेघई महाराज जी हैं, बड़े बुजुर्ग और पुराने संत हैं, स्वामी जी के अनन्य भक्त। उनका एक आश्रम था आपको कपसेठी के बगल में रामपुर में, वहां मैं विचरण काल में गया तो देखा था कि जितना चिड़ई कौआ रहे मेघई महाराज जब रूम से बाहर निकले तो उनके पीछे कांव कांव करते हुए जाते थे सब। और क्यों? क्योंकि दाना वगैरह छीट देते थे। यहां तक तो अच्छी बात है कि भाई पंछियों को हमारे यहाँ भारत में सनातन धर्म में दाना और क्या नाम है पानी कटोरा में भर के गर्मियों में रखा जाता है, ये जीवों पर दया अच्छी बात है। लेकिन रूढ़ी तब बच्चों के दिमाग में घुस जाती है जब आप ये कह देते हैं कि ये देखो तुम्हारे दद्दा कौआ बन के आए हैं और उनको मैं दे रहा हूं। इसी पर कबीर साहब ने कहा कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, अजिंदा नाग जब घर में निकसे लाठी ले धमकाया, और जिंदा बाप को कोई न पूजे और मरे बाप तब कौए को बाप बनाया। जिंदा बाप का सब लोग तो नहीं लेकिन 95% लोग अनादर करते हैं, तो जिंदा बाप को कोई न पूजे और जब बाबूजी मर जाए तो पितर पक्ष में कहे कौए को बाप बनाया तो कौआ बाबू बन गए। आप पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दीजिए, उनके जो अच्छे कार्य रहे वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कीजिए। उनके नाम पर 10-20 आदमी को खिला रहे हैं अच्छी बात है, चिड़ई चुनमुन को भी खिला रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अब कोई विप्र देवता यह आके कहे कि आपको पूर्वज तंग करते हैं इसलिए पितर पक्ष मनाइए, तो ये रूढ़ी है। और आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि ये कौवा बन गए ये रूढ़ी है। हाँ, उनके अच्छे कार्यों को आप अगर अपने बच्चों में बता रहे हैं, जैसे वीर कुंवर सिंह की घटना या महाराणा प्रताप, सब तो हमारे आपके पूर्वज ही हो गए, या आपके भी जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कार्य किया ही होगा जो आपके बेटा बेटी के लिए अनुकरणीय है, तो ऐसी चीजें बताना है, तब आपका पितृपक्ष सही रहा। ये नहीं कि भय बस दादाजी दुख दे रहे हैं घर में दुख आ रहा है तो आप मनाने के लिए तैयार हो गए आप मनाने लगे। इसके उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने ये पितृपक्ष को नहीं बनाया था, बल्कि इस उद्देश्य से बनाया था कि बाप दादा की जो संस्कृति रहे वो बराबर ट्रांसफर होती जाए वंशजों में। अब हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मर जाने के बाद आपके पितर लोग, आपके दादा परदादा, नाना नानी दादी, ये क्या आपको दुख पहुंचाते हैं? आपके घर में जब दादा दादी जिंदा हैं तो आपको कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं। वहीं दादा दादी अगर शरीर छोड़ दिए तो क्या भूत बन के पितर बन के आपको दुख देंगे? ये असंभव है, वो कभी आपको दुख नहीं दे सकते, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन आपके घर में जब दुख आएगा तो ब्राह्मण देवता आएंगे, बोलेंगे तुम्हारे दादा भूत बन गए, उनकी आत्मा व्याकुल है,
ये है वो है, अब इनको गया बैठाना है, अब गया बैठाने में बहुत खर्चा है। देखिए जब वो मरे तो 10 दिन का श्राद्ध कर्म होता है, ये आपकी श्रद्धा ही श्राद्ध कर्म है। आप अपने पिता के प्रति, दादा के प्रति, अपने पूर्वज के प्रति जो शरीर छोड़े हैं उनके प्रति जो श्रद्धा है वो खिलाते हैं, दान करते हैं, ये श्रद्धा ही श्राद्ध कर्म है। तो श्रद्धा के हिसाब से आप करते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर वहीं अगर आपकी क्षमता 1 लाख खर्चा करने की है, कोई जाके 20 लाख का एस्टीमेट लिखवा दिया तेरही बरही के लिए, तब वहां रूढ़ी हो गई। श्रद्धा के हिसाब से आप श्राद्ध कर्म करिए, आप गरीबों को, ब्राह्मणों को, जिसको भी खिलाते हैं खिलाइए श्रद्धा के हिसाब से। अब लिस्ट के हिसाब से जैसे ही आप गए तो 1-2 कट्ठा बेचना पड़ेगा, नहीं तो 2-4, 10-20 लाख कर्जा लेना होगा, और वो जितनी सामान रहेगी वो सब फिर पंडित जी लोग रिटर्न बेच ही देते हैं। तो जब आपके पिताजी मरे तो बरही तेरही करवाए, उसमें आपको बरखासन लिए, 12 महीना का राशन लिए, 24 महीना का राशन लिए, खटिया लिए, फोल्डिंग लिए, पिताजी जब स्वर्ग चले ही गए तो फिर कैसे दुख देने लगे, तब फिर उन्हें गया पहुंचाने की क्या जरूरत हो गई। जब आप मंत्र पढ़ के उन्हें मुक्त ही कर दिए थे तेरे ही करवा के, तो फिर क्यों गया पहुंचाने की जरूरत पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं ठगने का एक तरीका है। हाँ, गया तीर्थ है। गया आप सब लोग जानते ही होंगे कि पटना से 100 किलोमीटर है और वो बिहार में पड़ता है। पटना इसलिए मैं बताया कि राजधानी है बिहार की, और फल्गु नदी के किनारे गया स्थित है, और गया बिहार का एक जिला भी है, और वहां पर एक रबर डैम भी बहुत सुंदर बना हुआ है, और लाखों तीर्थयात्री आते हैं। तीर्थ में जाना चाहिए, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो तीर्थ में आप इसलिए मत जाइए कि हम बाबूजी को वहां बैठाने जा रहे हैं फिर वहां से नहीं आएंगे। भगवान ने गीता में लिखा कि अर्जुन ये आत्मा जो है एक शरीर से निकलती है सीधे दूसरे शरीर में कर्म के अनुसार, जब उसे शरीर मिल ही गया तो फिर कवन बाबू तुम्हारे घर में बैठ के तुमको दुख दे रहे। बाबू क्यों दुख देंगे, जो जीवन भर क्या नहीं किया तुम्हारे लिए वो मरने के बाद तुम्हें दुख देगा। ये पंडितों की एक चाल है ठगने का, बस और कुछ नहीं, कि बाबूजी दुख दे रहे। दुख तो तुम्हारा हमारा कर्म देता है। अब माथा दर्द हो रहा है तो बाबूजी कर रहे हैं, अरे पेट में गैस बन गया तो कर रहा है, घर में धन नहीं है तो क्या बाबूजी खा जा रहे हैं, कमाओगे नहीं, अपव्यय करोगे, दारू पियोगे, जुआ खेलोगे तो धन कहां से रहेगा, घर में शांति नहीं तो क्या बाबू अशांति के लिए, घर में कहां शांति रहेगा, गीता रामायण पढ़वे नहीं करोगे कहो घर में शांति नहीं। तो गया आप तीर्थ जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन बाबू को बैठाने मत जाओ, बल्कि पर्यटन के हिसाब से भगवान बुद्ध ने वहां तपस्या किया, 3 दिन में भगवान बुद्ध वहां तपस्या कर बोधि वृक्ष के नीचे अपने स्वरूप को पाया, और गया में विष्णु भगवान का सुंदर चरण पादुका भी है, वो भी जाके आप दर्शन करो। और भगवान बुद्ध ने कैसे साधना किया, कठिन कैसे, राजगृह से भगवान बुद्ध गया गए, और गया जाकर के 7 दिन तक रहे, जिसमें 3 दिन बोधि वृक्ष के नीचे, फिर 4 दिन और इधर उधर टहले, फिर भगवान ने आदेश दिया कि अब यहां से सारनाथ जाइए। तो भगवान बुद्ध वहां सारनाथ गए, वहां जाके उपदेश दिया, तो 500 ईसा पूर्व
आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले भगवान बुद्ध इस धरती पर आए थे। तो रही होगी गया, लेकिन गया प्रचलन में हमारे और आपके जहन में भगवान बुद्ध के बाद ज्यादा प्रचलित हुई। जैसे काशी तो पहले ही रही होगी, लेकिन भगवान शिव के बाद काशी प्रचलन में आई। वृंदावन मथुरा तो पहले ही रहा होगा, क्योंकि उसके राजा उग्रसेन कंस पहले ही भगवान कृष्ण से आ चुका था। लेकिन प्रकाश में कब आई? कृष्ण भगवान के बाद। अयोध्या जी पहले ही थी, क्योंकि आज दशरथ सब भगवान के खानदाने थे, दिलीप भगीरथ। लेकिन प्रकाश में कब आई वह अयोध्या? भगवान श्री रामचंद्र जी के बाद। तो उसी तरह से महापुरुष जहां जन्मते हैं, तपस्या कर देते, तीर्थ बन जाता है, इस ख्याल से आप दर्शन करने आइए। अब यहां तो आपको उन लोगों ने लूटा ही, तेरही बरही करवा करके। अब उसके बाद अगर घर में कोई दुख आया तो कहेंगे बाबूजी को गया बैठाओ उनकी। आप गया बैठाने में तो तिगुना खर्चा उत्तर प्रदेश में। और ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण देवता सिर्फ दूसरे ही कास्ट वालों से करते हैं, अपने भी जात में हमने देखा है, तमाम ब्राह्मण लोग भी 10 लाख 20 लाख इकट्ठा करते हैं, 5 लाख 4 लाख तो मिनिमम, बहुत सारे 4 लाख तो लगी जाए, 2-3 लाख 3 लाख में दागी नहीं है। उत्तर प्रदेश से अगर कोई आवे गया बैठाने के लिए और गरीब गुरबा रहेगा तो 1-1.5 लाख। ये लोग लिस्ट भी आदमी देख के बनाएंगे। वो कहानी एक है ना कि एक सतैसा था गरीब का बेटवा, तो करा बोले कि जाओ चिड़चिड़ी उखाड़ के ऐसे फेंक देना पीछे तरफ, तुम्हार सतैसा दूर। एगो बाबू साहब गए तो कहे उनको 27,000 के सामान लिखवा दी। अब वो चिड़चिड़ी लेने जा रहा था, बाबू साहब 27,000 का सामान लेने जाते, रास्ते में मिल गए, बोला आज हमको बेटा हुआ। बाबू साहब कह रहे हमऊ के बेटा हुआ। बोले का बताए, 27 में पड़ गया, फलाने पंडित के यहाँ गए थे। तो बोला हम भी तो उन्हीं पंडित के यहाँ गए थे। तो बोले भाई तुम्हारी लिस्ट क्या है? बोले हमको तो पंडित जी ने कहा है जाओ वो चिड़चिड़ी के घास है उखाड़ के अपने पीछे फेंक देना, 1.25 किलो सेव लेके आना, तुम्हार ग्रह खत्म। देखे ससुराल कुछ है ये नहीं, कम से कम 1.25 किलो सेवे तो दे ही। बाबू साहब कह रहे हमको तो 27,000 के लिस्ट थमाए हैं पंडित जी। तब बाबू साहब आए बोले पंडित जी हमारे को दुश्मनी था आपसे, एकर 27,25 किलो सेव में खत्म हो रहा है, हमर बेटवा के 27,000 में। तो यही रूढ़ी है, भाव और श्रद्धा के हिसाब से आप तेरही करिए। श्रद्धा ही श्राद्ध कर्म है, आपका जितनी श्रद्धा हो उतना श्राद्ध में आप लगाइए। और उसके बाद भी आप नहीं छोड़े, फिर गयो तोड़ा के आ गए हैं, ऐसा होता है ना। लोग बोलते हैं अरे बाप गया में बैठा के आए थे, यूपी में एक जगह घटना घटी थी, तो फिर उस लोग बोला भाई फिर बाबा हमारे घर में दुख है, तो पंडित जी पुरोहित जी, तो बोले रे तोर बाबू गया से फिर आ गए, अब दोबारा बैठावे पड़ेगा गया। तो ये रूढ़ी है, इन्हीं रूढ़ियों से कहीं ना कहीं सनातन धर्म कमजोर होता है। ये पितृ पक्ष वगैरह आपको मनाना चाहिए, और मनाते समय बच्चों को बस अपने पूर्वजों के बारे में बताइए कि हमारे पूर्वजों का मूछ ऐसे था, मूछ ऐसे मतलब इज्जत प्रतिष्ठा किस तरह से वो बचा के समाज में रखते थे, ऐसे तुम भी रहो, ऐसे तुम भी चलो, ऐसा कोई अनुचित कार्य न करो कि बाप दादा का मूछ गंदा हो, लोग कहें कि फलनवा के पोता फलनवा के बेटा इस तरह से हो गया। और उसके बाद उनके नाम पर जो आपकी श्रद्धा भाव हो खिलाइए, नहीं खिलाइएगा तो भी वो जहां भी उनकी आत्मा रहेगी आपको आशीर्वाद देगी। तो गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि।
ये आत्मा जो है सीधे दूसरे शरीर में प्रवेश करती है कर्म के अनुसार, कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। अगर कर्म उत्तम है, आप अगर तामसी वृत्ति में रहते हुए अपने शरीर का प्रत्याग करते हैं तो कीट पतंग आदि योनियों में आपका जन्म होगा, और अगर राजसी वृत्ति में रहते हुए, गीता में यथार्थ गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है, अगर राजसी वृत्ति में इस शरीर का, राजसी मतलब अगर भजन चिंतन ध्यान पूजा थोड़ा बहुत हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आपका जब शरीर छूटेगा तो आप मनुष्य योनि में आएंगे, लेकिन भजन भक्ति नहीं वहां से प्रारंभ होगा, निकृष्टतम ही अवस्था रहेगी साधना की। लेकिन अगर आप सात्विकी वृत्ति, आपका इस जन्म में भजन गीता पाठ रामायण संत सेवा टूटी फूटी सब चालू है, ये सात्विकी वृत्ति वालों के लक्षण है, तो जब अंत समय में भगवान का स्मरण नाम करते हुए आप शरीर त्यागेंगे तो आपका फिर जैसे ध्रुव प्रहलाद छोटे, आज भी छोटे छोटे बच्चे जन्म से ही भगवान का भजन करने लगते हैं, मोबाइल टीवी में देखिए 5 बरस के 8 बरस के बच्चे हरि कीर्तन हरि नाम जप रहे हैं, और उतने कितना छोटे छोटे ही भोजपुरी में है ससुराल फिल्मी गाना गा रहे हैं। तो अब देखिए हमारे समाज में रूढ़ी है कि पूजा भाव बस होनी चाहिए, भय बस नहीं, और आज पूजा लोग भय बस करवा रहे हैं, भाव बस नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन भाव भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणाएं, भगवान भाव के बस में है भय के बस में नहीं, और सारी पूजाओं में भय डाल दिया गया, ये नहीं करोगे तो ऐसे पड़ जाएगा। लो हम कहते ना कि 7.5 शांत करवा लो, नहीं करवाए तो बेटवा देखो एक्सीडेंट हो गया, भय आप में डाल दिया गया, भाव नहीं डाला गया। और जो कि पूजा भाव का चीज है, कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमय भक्त्या समर्पयाम, अर्जुन श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक हमें जो कुछ भी देता है मैं उसे खाता हूं और उसका कल्याण करता हूं, ये भगवान कह रहे हैं। और यहां कह रहे नहीं तुम नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसे मतलब प्रत्येक धर्म के धर्म गुरु, ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातन धर्म के ही धर्म गुरु, ईसाई धर्म के भी धर्म गुरु, मुल्ला मौलवी, सब लोग अपने अपने कम्युनिटी को अपने अपने भक्तों को भय दिखा करके, कोई खुदा का भय दिखा रहा है तो कोई गॉड का भय दिखा रहा है तो कोई भगवान का भय दिखा रहा है, जो कि हमारे शास्त्रों को आप उठा के देखिए, भगवान राम स्वयं रामचरितमानस में कह रहे हैं कि नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। ऐसा मत समझो तुम लोग कि मैं यहां का राजा हूं इसलिए नियम बना रहा हूं और भय बस आप इसका पालन करो, नहीं, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, मैं कह रहा हूं सुनो, अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं मेरी बात यहीं छोड़ देना। अब क्या है कि मरने के बाद कोई गरुड़ पुराण सुनाता है अपने दादाजी को, कोई गीता सुनाता है, कोई रामायण सुनाता है, अच्छी बात है घर में गीता रामायण होना चाहिए, लेकिन मरने के बाद नहीं, जिस आत्मा के लिए आप कर रहे हैं वो आत्मा जब जिंदा रहे तब होना चाहिए। हमारे धर्म गुरुओं को कहना चाहिए कि अब अंतिम समय आपके पूर्वज का आ गया, अब आप इन्हें जिंदा जी ही गीता सुना दीजिए, रामायण सुना दीजिए, जिससे इनको थोड़ा बहुत इस संसार से आसक्ति कम हो सके तो उनका कल्याण हो जाएगा। अब बाबू मर गए, दद्दा मर गए, कान आंख सब पेट सब जर गया, आत्मा शरीर से बाहर चली गई, और उनके लिए तुम गरुण पुराण सुन रहे हो और सुनवा रहे हो, उसका कोई फल नहीं है। ये केवल 10,000-20,000 में पंडित लोग वही ठीका लेते हैं और अपना बाँचते हैं। तो ये सब हमारे समाज में
रूढ़ी है। हमने रूढ़ियों पर भी चर्चा किया, हमने ये भी बताया पितृपक्ष मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इसका हमने यह भी बताया कि इसका मतलब क्या है, क्यों मनाना चाहिए। तो बस इसका यही मतलब है कि हम पूर्वजों को किसी न किसी रूप में याद करें, उनके किए हुए कार्यों को याद करें। जैसे रामनवमी मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी मनाना, यह भी कहीं न कहीं से एक भगवान वो पितृ पक्ष हो गया, और ये कह लीजिए भगवान पक्ष हो गया। वो पितरों को हम याद कर रहे हैं और यहाँ भगवान को याद कर रहे हैं। ये दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी गणेश जी की पूजा गई, और उसके बाद दीपावली आएगी, छठ आएगा, तो ये तमाम जो पर्व आते हैं इसका एक ही रीजन है, एक ही उद्देश्य है कि जो महापुरुष हैं उन्होंने किया क्या, और हमें करने को कहा क्या, और हम कैसे करें कि हम उनके आज्ञा पर चल सकें, और जो स्वरूप उनका था कालांतर में भविष्य में वो स्वरूप उस चलने वाला पथिक का भी हो जाए। क्योंकि कोई एक आईएएस नहीं बनता है, कोई एक पीएम नहीं बनता है, कोई एक सीएम नहीं बनता है, ये छोटे छोटे बच्चे भी संभावना है। तो इसलिए ऐसा नहीं कोई एक ही है, तो आप भी अगर कंप्लीट करो यूपीएससी, आप भी अच्छा से पढ़ाई करो तो आप भी उस पद को पा सकते हैं। उसी तरह से आप भी भजन चिंतन करें, आप भी गीता रामायण के सिद्धांत पर चलें, तो उस स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं जो स्थिति उन महापुरुष की थी। तो इसलिए सज्जनों, ये पितर पक्ष खराब नहीं है, और इसमें जो रूढ़ी घुसा दिया गया है धर्म जीवियों के द्वारा, ये खराब है, और उन रूढ़ियों से बचना है। ये अगर दान उपदान पूजा पाठ भक्ति भाव को श्रद्धा के ऊपर अगर हमारे धर्म गुरु धर्म जीवी छोड़ देते हैं तो उसमें लोगों की रुचि होगी। अब जितनी भी पूजाएं हो रही हैं सब चंदा से होती, पब्लिक भगवान के प्रति निरंकुश सी होती चली जा रही। क्यों? एगो रसीद गया कट करके, तब तक दुर्गा पूजा वाला पहुंच गया, वो कट के गया तब तक विश्वकर्मा पूजा वाला चल गया, वो कट करके गया तब तक छठ माई पूजा वाला पहुंच गया, वो कट के गया तब तक लक्ष्मी पूजा वाला पहुंच गया। अब आदमी बेचारा कमा रहा है थोड़ा सा, खर्चा कर इधर उधर जा रहा, बाल बच्चा को पासे बोले कि अब इधर से उधर करे, और सबके घर में अलग अपनी पूजा है, और रसीदें जो ये कट रही हैं ये पूजा पाठ के लिए नहीं कट रही है। पूजा पाठ तो 10,000-5,000 में हो जाता है, ये डीजे, खाली डीजे वाला जो भसान के दिन आता है यह ससुरा 20,000 से कम नहीं लेता है, बड़का डीजे अगर मंगाओ तो 50,000 लेगा। कहीं कहीं तो नाचने वाली को बुलाते हैं सब, तो ये पूजा को मनोरंजन और भ्रांति से, मनोरंजन से जोड़ दिए ये कमेटी वाले और भ्रांति से जोड़ दिए ये हमारे धर्म गुरु। आप देखिए गणेश जी पर दया आती है जब उनकी मूर्तियों पर कुत्ता पेशाब करता है, आप देखिए जहां तहां मूर्तियां फेंकी हुई हैं, घिन्ना रही हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, आपने क्या पूजा किया? ये कहीं न कहीं से ये जो भसानवाद आया है ये एक तरह से सनातन को भ्रष्ट करने के लिए, सनातन के ईश्वरों का, सनातन के देवताओं का, सनातन के महापुरुषों का अपमान करने के लिए। सूंड कहीं और लटक रहा है, हाथ के अलग, मूड़ी पगड़ी बांधे बोले कहीं अलग, क्यों आपने 10 दिन के लिए ऐसा किया, फिर आपने क्यों ऐसा फेंक दिया जिससे वह गणेश जी का अनादर हो रहा है। तो इसलिए सज्जनों, पूजा पाठ भाव का चीज है, भावना का चीज है, श्रद्धा का चीज है, भय का चीज नहीं है। कहेगा लो अबरी गणपत बप्पा नहीं बैठा है ना, तुमको देखो बिजनेस में लॉस हो गया, अबरी दुर्गा जी नहीं बैठाया अब तुमको ये हो गया। इतना डरा दिया गया, भारत को कायर बना दिया इन धर्म गुरुओं ने,
पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया है यथार्थ गीता में कि बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली दान दो। जिस देश में वीर कुंवर सिंह जैसे महान योद्धा के हाथ कट गया तो भी साहस था अंदर से, लड़ते रहे। हजारों को मारना होगा अधर्म के लिए, भगवान कहते हैं कि जिन हनुमान जी कहते हैं जो मोहि मारा तो मोहि मारे, जो अगर हमको दुख दे रहा है उसको दुख देने में हमको कोई पाप नहीं है। तो लेकिन ये लोग कायर बना दिया, बिल्ली मर गई सोने के बिल्ली दान दो, पूर्णिमा को दान दो, एकादशी को दान दो, दान के नाम पर जनता को मारा कि एकदम खत्म कर दिया। इसलिए सज्जनों आप लोग गीता और रामायण से जुड़े, गीता की बड़ी सटीक व्याख्या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता किया है, उसका आप लोग अध्ययन करें और सभी त्योहारों का सम्मान करें। लेकिन सही सभी त्योहारों को सही मायने में आप समझें कि ये क्यों मनाया जाता है, ये बार बार क्यों आता है। ये डीजे पर नाचने के लिए आता है, ये मांस मछली खाने के लिए, दशहरा अभी देवी पूजा कितना धूमधाम से लोग पंडालों में मनाते हैं, किसी पंडाल का 10 लाख खर्चा है तो किसी पंडाल का 10 करोड़ खर्चा है। लेकिन एक भी बकरा और एक भी बकरी बेचारा नहीं बचेगा, सब मार काट के दिन उसको काटेंगे खाएंगे। पूजा तुमने किया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कर दिया, जितना तुमने, अब देवी जी तुम्हारी बकरी खाती हैं, बकरा या भैंसा। देवी पुराण में दुर्गा सप्तशती में कोई भी पंडित को मैं चैलेंज करता हूं कि आगे दिखा दे जहां पर लिखा हुआ है कि बकरी काटो बकरा काटो। खुद वह देवी जी को महिषासुर ने कहा था कि हमें अभाच्य भोजन चाहिए, और इसीलिए देवी जी ने महिषासुर का वध भी किया था। और उन्हीं देवी को तू कहते हो कि मारकाट का दिन है, मारकाट का दिन है। तो जो ये सब पूजाओं में रूढ़ियां, अब लक्ष्मी पूजा आएगा, लक्ष्मी पूजा में खाली जुआ चल रहा है, होली आएगी, होली में खाली शराब मांस चल रहा है, गंदा गंदा गाली उसको भौजाई को उसको। इसीलिए भक्त प्रहलाद ने इतनी तपस्या की थी, दशहरा में भगवान रामचंद्र जी क्या इसीलिए विजय करके आए थे। तो सज्जनों अपने पर्व को अपने त्योहार को सही मायने में समझें और भगवान का नाम जपें और पितृ पक्ष को आप लोग मनाएं, लेकिन पितरों के किए गए कार्यों को याद करें, भय बस मत बनाए, भाव बस मनाएं। अगर कोई भय देके मनवाता है, हाँ सरासर गलत है, कोई गया जो स्थापित करने के लिए ले आता है गलत है, कहीं कोई ये गया होया में आपके पिताजी आएंगे और वहां आते ही सीधे बैकुंठ पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब नहीं। गया का मतलब होता है गया, तुम्हारा जो पुराना कर्म है वो भजन चिंतन से कट जाता है, गया लोग कहते ना तो चला गया, वो कट गया। और जब वो पुराना कर्म भजन चिंतन से कट जाता है तब जाके जीव को मुक्ति मिलती है। तो इसलिए एक कहानी बड़ा सुंदर है, उसको सुना देते हैं कि यादव जी का पंडित जी से भेंट हो गया, पंडित जी ने कहा तुमको पितर लोग नरक में ढेला फोड़ रहे हैं उसीलिए दुख है, तो तुम जाओ गया बैठा दो तो कितना खर्चा होगा। यादव ने कहा पंडित जी से, तो पंडित जी ने कहा ज्यादा खर्चा नहीं, बहुत पहले की घटना, बोले 10,000 में, आज का तो 10 लाख हो जाता। बोले ठीक है। तो गया में सब फल्गु नदी किनारे दान पुण्य करने के बाद लास्ट में हम बताएंगे क्या रामचंद्र जी ने वहां पिंडदान दशरथ जी का किया था। तो वो गया पूजा पाठ पिंडदान वगैरह सब करके उसके बाद कितने लोग बेवकूफ बनाते हैं धर्मजीवी लोग, समझ में नहीं आता। वो दो आदमी को अंदर से उधर से कोई को खड़ा रखते हैं और जब सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में कहते हैं देखो अगर
जेंट्स का वो करने आया है, तो जेंट्स को अगर औरत का करने आया है दादी का स्थापित करने, तो दादी महिला का कोई हाथ, दो ठो छेद रहता है, जो गया गए होंगे देखे हो, तो हाथ डाल के निकाला जाता है, तो कहेंगे जाओ जाओ दान करो, देखो तुम्हारे वो दादाजी आए हुए, तो वो अपने बाबू का करने गया था। तो जब सब कुछ हो गया तो हाथ निकाले, एक आदमी लगभग 60 वर्ष का आदमी रहा होगा, कहा जाओ उस पे दान करो, देखो तुम्हारे बाबूजी वो आ गए हैं, हाथ निकाले हुए हैं, दान करो। तो ये पहलवान था, ये समझ गया, साधु संत के पास जाता था कि पंडितवा देखो कितना ठग रहा है हमको, वह गया हाथ की ये जो नस होती है ना, ये अगर इसको तेजी से दाबा जाए तो आदमी चिल्लाने लगता, वह पकड़ करके लगा दाबने हाथ, कहे बाबू हो माई बुलैले है, बड़ा दिन हो गया तोरा गईले, चलो चलो माई बुलैले है, छोड़बे न करवा, हाथ दाबे और उधर से पंडा चिल्लाए करे, बरे ससुरा हम फलाने पंडा है, तोर बाबू ने हाथ छोड़ और दाबे तेजी से, बोले रे बाबू बुलैले, बाबू चलो माई बुलैले है, कहले के बाबू आई है, हाथ निकल है, तो धई लिए उनको एकदम, सोचा के हाथ तो हम अपने बाबू के जला आए, तो ये हथवा कहां से आ गया और ये सब हमको ठग रहा है, बेवकूफ समझ रहा है, वो लगाया या ही रही बुद्धि दावे या उस चिल्लाए, बोले रे हमको दान पुण्य नहीं चाहिए, हाथ छोड़ जल्दी हाथ छोड़, जो लिया दिया है सब लेके भाग, तो गया माने पॉकेट से माल गया और तुमरा हो गया गया। तो इसलिए सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और दुनिया का जो भी एक मनुष्य करता है रीति रिवाज, भगवान श्री राम ने सब कुछ किया था, क्योंकि मानवीय लीला में थे। माता सीता का हरण हुआ तो भगवान रोए भी थे, पिता जब शरीर छोड़े थे तो भगवान जानते हैं कि आत्मा तो निकल गई चली गई, लेकिन भगवान ने उनके लिए भी आंसू बहाया था। रही बात पिंड दान की, तो पिंड दान इसलिए किया जाता है कि हमारी श्रद्धा श्राद्ध कर्म है भाई, हम मानव हैं, अमानवीय नहीं है, इसलिए अगर हमारे पिताजी दादाजी चाचाजी कोई भी संत समाज में अगर साधुए लोग मर जाते हैं तो उनके लिए भी 17 दिन पर अपना अपना, सब बैरागी का अलग दिन है, सन्यासी का अलग, नागा का अलग, तो उस हिसाब से लोग करते हैं, या अदर संप्रदाय में भी वो इस्लाम को मानने वाले हैं, ईसाई भी, सबका अपना अपना कुछ न कुछ जरूर कर्म होता है। तो भगवान मानव लीला में थे, माता सीता जगत जननी भी मानव लीला में थी, तो उन्होंने पिंड दान का मतलब होता है कि अपनी भावनाओं को, अपने श्राद्ध कर्म को हमने निवेदित किया, तो 980,860 वर्ष पहले भगवान राम हुए थे। ये बहुत बड़ा लंबा खंड होता है, 1,00,000 वर्ष पहले तो जहां नेपाल है वहां कभी टेनिस सागर लहराता था, आज वहां पर हिमालय पर्वत लहरा रहा, तो उस समय अब गया थी कि फल्गु था कि नहीं था, अभी न हम देखने गए थे न आप, लेकिन ये आस्था का विषय है, और आस्था के विषय में अब हम लोग भगवान को इसलिए वहां जोड़े हैं कि हम सब लोग भी इसी तरह से अपने माता पिता के प्रति संवेदना, अपने माता पिता के प्रति फर्ज अदा करें, जो एक पुत्र का फर्ज होता है। तो अब भगवान राम को हम सब लोग अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं, इसलिए वहां पर कहा गया कि नहीं, भगवान श्री राम जी ने भी पिंडदान किया था दशरथ के लिए। तो अब ऐसा नहीं कि दशरथ की आत्मा भटक रही थी या दशरथ जी राम जी को दुख दे रहे थे, अब तब अयोध्या से बल राम जी या सीता जी उनको वहां बैठाने आई थी, ऐसा रूढ़ी नहीं, बल्कि भगवान पिता से, हर कोई अपने पिता से प्रेम करता है, भगवान भी नरलीला में थे, प्रेम करते थे, तो जो उस समय के धर्म गुरुओं ने कहा भगवान ने वो किया, और
ये शरीर पिंड, पिंड माने होता है शरीर, कई पिंड बनता है ऐसे मुट्ठी से। तो पिंड दान का मतलब होता है जब आप भगवान का भजन चिंतन कर अपने सारे संस्कारों को काट लेते हैं, तो ये पिंड शरीर का आवागमन खत्म हो जाता है। जब तक ये बार बार आप 84 लाख योनि में आ और जा रहे हैं, तब तक पिंड दान नहीं हुआ। तो 10 रथ जो 10 इंद्रियों को वश में कर लिया, वही महापुरुष, वही साधक 10 रथ होता है। और जब वो 10 इंद्रियों को वश में कर लिया, हृदय में भगवान आ गए, तो उसके पिंड का तो दान हो गया, शरीर खत्म, आने जाने का जो चक्र है वो खत्म हो गया। यही वास्तविक पिंड दान है। ऐसा नहीं कि बाबू के पिंड बना के दान कर दिए तो बाबू बैकुंठ चले जाएंगे, नहीं। बाबू ने जैसा कर्म किया है, कहीं सके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो इसमें रूढ़िया है, रूढ़िया क्या, जैसे कौआ को मैंने बाप बना लिया, अत्यधिक क्षमता के अनुसार सामानों को लिख देना, बरहित रही इत्यादि में। उसके बाद रूढ़ियों में समाज को ढकेल देना, ये सब इसमें भ्रांति है। इसका निवारण करके इस पर्व को मनाएं, सभी पर्वों में जो भ्रांतियां हैं उसको निवारण करके मनाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।